कल रोशन होगा उजालों से, थोड़ी ताकत और लगा बस सब तुझको मिल जाएगा। 100वीं चोट पर टूट जाता है, जीत की शुरुआत पहली चोट से शुरू हो गई थी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में निरंतर सफलता हासिल करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं, और जब हम कई बार अपने प्रयास करते हैं तो उन प्रयासों में हम विफल भी हो जाते हैं, हार भी जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर प्रयास करते हैं, तो आपको जीत निश्चित मिलती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी सफलता की चाहत, जो हम हासिल करना चाहते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं, और वो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे सामने या हमारे पीछे हमारे बारे में ऐसी बातें करते हैं जिससे हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग अपने आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी जीत हमेशा होती है। इसीलिए मैं अपनी कविताओं के माध्यम से भी कहता हूँ कि फिर सब मन माफिक होगा ना घबरा भूचालों से, फिर सब मन माफिक होगा ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। आज अंधेरा घना सही और आगे कुछ भी दिखे नहीं, कल रोशन होगा उजालों से, ना घबरा भूचालों से। मेहनत कश इंसान अगर तू सपना एक सजाएगा, थोड़ी ताकत और लगा बस सब तुझको मिल जाएगा। बढ़ा कदम और आगे चल बस, अरमा पूरा हो जाएगा, और मंजिल उनकी राह देखती जो आगे कदम बढ़ाएगा। फिर सब मन माफिक होगा ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि एक लेबर जब एक पत्थर को तोड़ता है तो बहुत बार हथौड़ी की चोट उस पत्थर पर मारता है। मान लीजिए वो पत्थर 100वीं चोट पर टूट जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके 99 चोट बेकार गई हैं। हर एक चोट से वो पत्थर निरंतर टूटने की ओर अग्रसर होता है, और जब वो 100वीं चोट मारता है और पत्थर टूट जाता है तो समझ लीजिए कि उसके अंतिम चोट से ही उसको जीत मिली है, पर वो जीत की शुरुआत पहली चोट से शुरू हो गई थी। इसीलिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहिए, आपका हर प्रयास आपको आने वाले समय में सफलता की ओर लेकर जाएगा। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई भी बात है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वो बात कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। आने वाली वीडियोस में मैं आपके हर सवाल का जवाब जो आप कमेंट में हमसे पूछेंगे देने का प्रयास करूंगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।